वृश्चिक राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। वृश्चिक राशि वालों दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आप सभी के जीवन काल में करेगा ऐतिहासिक परिवर्तन। जी हाँ वृश्चिक राशि वालों, क्योंकि आपके बंद किस्मत के ताले का चाबी मिल चुका है, जो कि वृश्चिक राशि वालों आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपका बंद किस्मत का ताला खुलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, अब आपकी किस्मत ऐसी उड़ान भरेगी, ऐसी छलांग लगाएगी, जो कि दोस्तों आपको भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। जी हाँ, कुछ समय के लिए आपको भी भरोसा नहीं होगा। आप अचानक से कह उठेंगे कि अरे मेरी तो किस्मत ही बदल गई, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, समय का पहिया पूरी तरह से घूम चुका है। दोस्तों, भगवान श्री शनिदेव महाराज जी ने आपकी किस्मत को हीरे की तरह चमकाने वाले हैं अगले 24 घंटे के अंदर। जी हाँ दोस्तों, जो भी बात आप सुन रहे हैं 100% सटीक सुन रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपके कुंडली में बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है और यह बदलाव आपके जीवन को पूरी तरह से बदलेगा। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, अब होगा असली चमत्कार और अब होगा आपकी जिंदगी का, आपकी किस्मत का असली खेल शुरू, क्योंकि दोस्तों आपका बंद किस्मत का ताले का चाबी मिल चुका है और यह चाबी अगले 24 घंटे के अंदर आपके हाथों में होगी। दोस्तों, अब आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने से, तरक्की हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपकी राशि वालों का टूटी फूटी किस्मत भी चमकने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आपकी कुंडली में दो बड़े योग का निर्माण होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि दोस्तों यह योग भगवान श्री हरि विष्णु जी से संबंधित है। अगले 24 घंटे के अंदर भगवान श्री हरि विष्णु जी प्रसन्न होकर, खुश होकर आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं और अगले इन 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ी खुशखबरी आपके आंगन में दस्तक देने वाले हैं, प्रवेश करने वाले हैं। तो दोस्तों, वो कौन सी खुशखबरी अगले इन 24 घंटे के अंदर आपको मिलने वाली है, उसके लिए विशेष तौर पर क्या सावधानियां बरतनी है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है, किन बातों का ध्यान में रखकर कार्य करनी है, ये सारी बातें हमने वीडियो में बताया है। बस थोड़ा सा समय दीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। लेकिन सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु जी के जो भी सच्चे भक्त हैं, वो सर्वप्रथम वीडियो को लाइक करें और अपने इन प्यारे हाथों से कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय श्री हरि विष्णु महाराज जरूर लिखें। आइए दोस्तों जानते हैं, वृश्चिक राशि वालों अगले इन 24 घंटे के अंदर भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से पांच बड़ी खुशखबरी मिलेगी। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आपका भाग्य परिवर्तन हो चुका है और आपकी किस्मत भी बदल चुकी है, जिससे कि दोस्तों भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। हमेशा की तरह आप अपने में धैर्य बनाए रखें और अपने कामों पर भरोसा रखें। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आप अपने जीवन में उस काम को कभी भी अपमान मत करना जिस काम से आपका पेट चलता हो, जिस काम से आपका घर परिवार चलता हो। जी हाँ, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। काम की इज्जत करना हमेशा आपके घर में बरकत होती रहेगी, चाहे काम कैसा भी हो। जब आप काम की इज्जत करते हैं तो काम भी आपका इज्जत करता है। बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा, गुरुजी आप एकदम सही कह रहे हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं खुशखबरी में, लेकिन
टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इंस्पायर करें। चलिए बात करते हैं। देखिए दोस्तों, स्थितियां और घटनाएं कुछ इस प्रकार बदलेंगी कि आपको पहले से सोच समझ कर लिया गया फैसला बदलना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको जीवन में आने वाली चीज़ों के प्रति अधिक जिम्मेदार रवैया अपनाना होगा। आप अपने पहले तय किया गया कार्यक्रम के अनुसार नहीं चल पाएंगे, क्योंकि आपको कुछ अप्रत्याशित घटनाओं के कारण अपना कार्यक्रम बदलना पड़ सकता है। जी हाँ, इस समय अप्रत्याशित घटनाएं के कारण आपके छोटी अवधि के लगभग सभी कार्य प्रभावित होंगी। जी हाँ, आप पिछले कुछ समय से लगातार लंबी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, परंतु आज से आपके स्वास्थ्य में सुधार की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जी हाँ, अगर आपकी कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्या काफ़ी पुरानी है, तब भी आपको इसके लिए आज कोई लंबे समय तक के लिए समाधान मिल जाएगा। कुल मिलाकर आज आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा और सुधार की प्रक्रिया को तेज करने के लिए अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, अपने स्वास्थ्य के प्रति कभी भी लापरवाही ना करें और ना ही कॉम्प्रोमाइज़ करें, क्योंकि जान है तो जान है। जी हाँ, आज आप बाहर के खान पान से थोड़ा परहेज करें, जितना हो सके अपने घर का ही बना हुआ शुद्ध भोजन करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। देखिए दोस्तों, हर एक आदमी अपने आप में अलग है और खुद को सारी संभावनाएं तलाश करना चाहता है, लेकिन आप अपने पार्टनर को ऐसा करने से रोक रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि कुछ अलग करने की कोशिश में है, कुछ महत्वपूर्ण खो देंगे और जो जोखिम आप उठाना चाहते हैं उसमें सफलता नहीं मिल पाएगी। उन्हें आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत है, बहुत आवश्यकता है। अगर सहयोग में रोमांस का तड़का भी लगा सके तो बहुत ही अच्छा होगा। जी हाँ, देखिए दोस्तों, आपको काफ़ी समय से अपने सहकर्मियों की मदद मिल रही थी, परंतु अब समय से मदद लौटाने का समय आ चुका है। जी हाँ, अब आप अपने किसी सहकर्मी की मदद कर सकते हैं, जिससे आपकी स्थिति आपके कार्यालय में और दृढ़ता से मजबूत होगी और काफ़ी लोकप्रिय बढ़ेगी। जी हाँ, हो सकता है आज आपको देर तक कार्य करना पड़े, पर ये आपके लिए सहायक ही सिद्ध होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी बड़ी कामयाबी आपको मिलेगी, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। आने वाले अगले 24 घंटे आपके लिए सोने पे सुहागा होने वाला है, क्योंकि आज आप जो भी काम अपने हाथ में लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे और आपको उसमें सफलता उम्मीद से ज्यादा मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आपकी संवाद कुशलता अब पहले से बेहतर है और आप लोगों के चलते विश्वास के झलक लेकर अपनी बात साझा कर पाएंगे। दिन मुश्किल परियोजना पर काम करने के लिए उपयुक्त है। जो काम बहुत दिन पहले आपको लग रहा था ये काम नहीं होगा, लेकिन उस कामों को आज आप करने की कोशिश करें, सफलता आपकी कदम चूमेगी। क्योंकि दोस्तों, भाग्य ग्रह गोचर पूरी तरह से आपकी अनुकूल है। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, आज आपको अपने कार्य के लिए विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि आपके वरिष्ठ अधिकारी बारीकी से आपकी प्रगति को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अभी उनकी निगाहें आपके ऊपर बनी हुई हैं। आपके लिए बेहतर यही होगा कि तन मन से काम करें, आपकी प्रमोशन आदि हो सकती है। जी हाँ, वे आपके समर्पण भाव और मजबूत नेतृत्व के गुणों से प्रभावित होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज आपके थोड़े अधिक प्रयासों से आपके करियर को एक नई गति मिल सकती है। जी हाँ, क्योंकि आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके इन गुणों को ध्यान में रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, काफ़ी समय से जिंदगी एक ही ढर्रे पर चल रही है, कुछ मज़ेदार भी नहीं हो पा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अपनी नीरस जिंदगी में कुछ साहसिक गतिविधियाँ शामिल करें, अपने पसंदीदा पर्यटन स्थल पर जा सकती हैं,
या कहीं भी बाहर घूमने जाएं महत्वपूर्ण कामों को पूरा करने के लिए। कुछ समय तक खुद को कुछ समय सामाजिक और निजी गतिविधियों से दूर कर लें ताकि एकाग्रता से काम कर पाएं। जी हाँ दोस्तों, तभी आपको उसमें लाभ होगा। अगर आप समय पर कोई भी काम करेंगे तो आपको उसमें लाभ जरूर होगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, आप जो चाहते हैं वे सब कुछ हासिल करने की आप में शक्ति है, आप में जुनून है। दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं इस तरफ आप अपना ध्यान ना दें। जी हाँ, क्योंकि लोग अमरूद खरीदते वक्त भी कहते हैं मीठे हैं ना, लेकिन बाद में उसे नमक लगा कर खाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा, वे लोग इस तरह का दिखावा कर सकते हैं जिससे आपको नीचा दिखना पड़े, पर अंदर से वे लोग जानते हैं कि आप में अपार प्रतिभा है। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बताना चाहेंगे, आप अपने आत्मविश्वास का आनंद लें, क्योंकि आपका खेल खेलने से पहले ही जीतना तय है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए पूरे आत्मविश्वास के साथ काम करें, आपको सफलता जरूर मिलेगा। लेकिन दोस्तों, जरूरत है आपको अपने कामों पर ही ध्यान देने की। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे आपके लिए बहुत अच्छे हैं। व्यवसाय में कुछ नए अनुबंध मिल सकते हैं। जल्दबाजी की बजाय गंभीरता से और सावधानी से काम करें, पूरे करें तो आपके लिए बेहतर रहेंगे। नौकरी पेशा लोग अपने प्रमोशन संबंधित कागजात कंप्लीट रखें, क्योंकि कोई परेशानी आने पर वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह लेना आपके लिए ही उचित रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपको लापरवाही करने से बचना होगा। सोसाइटी अथवा सामाजिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण लोगों से मेल जोल बढ़ेंगे तथा यह संपर्क आपके लिए फायदेमंद भी साबित होंगे। अगर कोई पेमेंट आदि फंसी हुई थी, कहीं पर पैसा रुका हुआ था, तो आज प्रयास करने पर वसूल हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आपकी काम बन सकती है। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, यह समय आय का कोई रुका हुआ साधन पुनः शुरू हो सकता है। आप बुद्धिमान व होशियारी से सभी काम बेहतरीन तरीके से पूरे कर पाएंगे, जिसमें आपको लाभ होगा। विद्यार्थी वर्ग भी व्यर्थ की बातों पर ध्यान हटाकर अपने अध्ययन के प्रति जागरूक रहेंगे। रिश्तेदारों से चल रहे किसी पुराने मतभेद का निपटारा हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे अपने भावुकता पर और उदारता की अधिकता पर विजय हासिल कर लें, क्योंकि इन आदतों की वजह से आप अपनी नुकसान कर बैठेंगे। जी हाँ, नया निवेश करने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल जरूर कर लें, आपके लिए बेहतर होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में, लॉटरी सट्टे में, म्यूचुअल फंड में, कहीं पर भी आप धन निवेश करना चाहते हैं, तो आप उसके बारे में दोबारा सोच विचार कर लें, आपके लिए बेहतर होंगे। नहीं तो आगे चलकर आपको परेशानी हो सकती है। व्यवसाय क्षेत्र में नई पार्टियों के साथ व्यवहार करते समय सावधान रहें, इस समय बहुत मेहनत की जरूरत है। जी हाँ, राजनीतिक तथा महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क बनेंगे। वहीं दोस्तों, अनुचित कार्यों से दूर रहने का प्रयास करें, ऑफिस में अत्यधिक कार्यभार रहेगा। लव लाइफ को लेकर बात करें तो यह समय पारिवारिक वातावरण खुशनुमा बना रहेगा। प्रेम प्रसंगों में गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती है और इसका असर आपके करियर पर भी पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करने का प्रयास करें और जितना हो सके खुश रहने का प्रयास करें, एक दूसरे के साथ खुशियां बांटने का प्रयास करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे और इससे मन भी आपका शांत रहेगा। जी हाँ, आप जो भी काम करेंगे पूरे तन मन से करेंगे, पूरे लगन के साथ करेंगे। दोस्तों, मेहनत से कभी भी पीछे मत हटना। मेहनत ही एक ऐसा चीज है जो कि आपको मंजिल तक पहुंचा सकती है। देखिए दोस्तों, सितारे कहते हैं, आज आपके घर में कोई मेहमान या फिर मेहमान के रूप में कोई आने वाला है। जी हाँ, छोटे बच्चे के रूप में तिलकारी संबंधी शुभ समाचार गूंजेगा। प्रेमी जोड़ों के लिए समय अति उत्तम है, जो प्रेमी एक दूसरे से प्रेम विवाह करना चाहती हैं, ये समय उनकी प्रेम विवाह हो सकती है। जी हाँ, देखिए दोस्तों, सितारे कहते हैं, आज आप अपने परिवार वालों से दूर हो सकती हैं,
जी हाँ, किसी लंबी दूरी यात्रा हो सकती है, क्योंकि दोस्तों इस समय यात्रा के योग बने हुए हैं। यात्रा आपके लिए लाभदायक एवं सुखमय रहेगा, लेकिन आपको इस समय अपने कीमती वस्तुओं को संभाल कर रखने की आवश्यकता है। जी हाँ, क्योंकि ग्रह सितारे संकेत दे रहे हैं इस राशि के जातकों को यात्रा के दौरान अपने सामानों को अधिक से अधिक देखभाल करने की जरूरत है। खासकर अगर आप अपने घर से बाहर जा रहे हैं तो देखिए दोस्तों, इस बात की संभावना है कि कोई आपके आसपास आपके विचार चुराने और अपने कैरियर में प्रगति करना चाहता है। इसलिए दोस्तों, किसी से बात करते हुए सावधान रहें, सतर्क रहें। जी हाँ दोस्तों, आपको इस समय बड़ी गंभीरता से अपने हित के बारे में सोचना है। जी हाँ, अपने लंबे सहकर्मी रह चुके हैं, लोगों के साथ भी अपनी जानकारियां साझा ना करें। जी हाँ दोस्तों, इस दौरान धीरज से काम लेंगे तो जल्दी ही अपने शुभ चिंतकों को भी पहचान लेंगे। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आप उठकर कुछ कर दिखाने के जोश से भरे हुए हैं, लेकिन आप जैसे ही शुरुआत करेंगे, आपका मूड अपने करीबी लोगों के खराब व्यवहार से खराब हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, फिर भी आप सामाजिक मुद्दों के कारण अपनी सेहत को प्रभावित न होने दें। जी हाँ, आपको अपने वाले दिनों से काफी तनाव का सामना भी करना है। इसलिए दोस्तों, किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहें और खुश रहें, आपके लिए बेहतर रहेगा। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आज का दिन तीव्र प्रभाव के नाम रहेगा। रोमांस के नाम पर आपकी जो है मांगे तो बड़ी है, लेकिन आपने अपने पार्टनर की भावनाओं की शक्ति और उनकी सहायता को काफी कम करके आंका है। अगर आप अपने रिश्तों के हित से अपनी मांगों को देखेंगे तो पाएंगे कि वे आपके पार्टनर की तुलना में कहीं ज्यादा है। जी हाँ, आज के समय का उपयोग अपने संबंध में थोड़े से भावनात्मक होने के लिए करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आप अपने परिवार के हित और अपने व्यवसायिक हित के बीच अपने आप को फंसा हुआ पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अपने परिवार के कल्याण को चुनें और थोड़ी देर के लिए अन्य बातों को बस्ते में डाल दें। आपका वित्तीय भाग्य बहुत मजबूत है। जी हाँ दोस्तों, आप आज बोली भी लगा सकती हैं और उसमें जीतने की संभावना काफी प्रबल है। इस समय किए गए सभी निवेश आपको भविष्य में अच्छी तरह से लाभान्वित करेंगी। देखिए दोस्तों, आप अपने लिए बहुत ऊंचे मानक तय किए हैं और आप इन्हें हासिल करने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, फिर भी लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल होगा और इससे आपको थोड़ी निराशा होगी। आपको लक्ष्य तक उतरने से पहले अपनी क्षमताएं ध्यान में रखनी होगी। जी हाँ, समय कोई बड़ा फैसला लेने के लिए उपयुक्त नहीं है। अगर आप इस समय कोई बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं, बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, तो इस समय आप सावधान रहिएगा और अपने घर के बड़े बुजुर्गों का, माता पिता का डिसीजन लेकर ही कोई फैसला लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना है, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। आप पिछले कुछ दिनों से काफी व्यस्त नजर आ रहे हैं। जी हाँ, कार्यक्रम से काम करें और अब समय आ गया है कि आप व्यवस्थित हो जाएं। जी हाँ, आज आप तुलनात्मक रूप से आराम के मूड में रहेंगे, लेकिन तब भी कोशिश करें कि आज अपना समय देकर अपने सभी मामलों को व्यवस्थित कर पाएं, नहीं तो आने वाले दिनों में सब चीज़ें और भी उलझती चली जाएंगी और जैसे ही स्थिति नियंत्रण से बाहर होती दिखेगी, आपको बहुत परेशानी अनुभव होगी। जी हाँ दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको अपने रिश्तों में ऐसा आभास हो रहा है कि सब कुछ सही है और ये रिश्ता काफी मजबूत रहेगा और आगे तक जाएगा। ये रिश्ता शादी में भी बदल सकता है, लेकिन जो है क्रियान्वयन से पहले थोड़ा शांत दिमाग से सोचें तब आगे बढ़ें तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा।
जो आप सोच रहे हैं वो सही होगा या आपको कुछ ऐसा मिलेगा जिसकी आप अभी तक अनदेखी कर रहे थे। जी हाँ, जिसके बारे में आपने आज तक नहीं सोचा था वो चीज़ आज आपके जीवन में होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वही दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, यह समय काम का दबाव आप पर बढ़ेगा और आप उन चीज़ों से दूर हो सकते हैं जिन चीज़ों को करने में आपको आनंद आता था। आपको आराम करने के लिए ज़्यादा समय नहीं मिल पाएगा, इसलिए दोस्तों आपको जीवन की छोटी बातों से आनंद लेना होगा। ये बहुत ही संतोषजनक और आपके सामान्य प्रयास की तुलना में जो है कम खर्चीला साबित होगा। इसका अर्थ है कि आज कुछ अनावश्यक खर्चों पर बचत कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, आपको फिजूल खर्चे नहीं करनी है, नहीं तो ये खर्चे आगे चलकर आपके लिए समस्या बन सकती है। हाँ दोस्तों, भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा, आपके नए कामों की शुरुआत होगी, लेकिन दोस्तों आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर आप नए कामों की शुरुआत करने जा रहे हैं तो आप अपने माता पिता से, अपने घर के बड़े बुजुर्गों से राय लेकर ही करें तो आपके लिए बेहतर होंगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कभी कभी जल्दबाजी में फैसला लेना हमारे लिए सही नहीं होता है, इसलिए अगर आपके घर में कोई एक्सपर्ट, कोई जानकार इंसान है तो आप उनसे सलाह ले सकते हैं तो ये आपके लिए बेहतर होंगी। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, सितारे कहते हैं कि आप अंदर से डरे हुए हैं, ये जान लें कि आप इन मुद्दों से घबराने की बजाय जरूरत नहीं है, इन वर्तमान समस्याओं के कई कारण हैं और इनके लिए दूसरे जिम्मेदार हैं, आप नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, ये छोटी बातें जल्द ही सुलझ जाएंगी। अपने आप को राहत देने के लिए किसी मनोरंजक कार्यकलाप की योजना पर जाएं, ये आपके लिए बेहतर होंगे। देखिए दोस्तों, यह समय एक सख्त शारीरिक कार्यक्रम जो है शुरू करने के लिए बहुत ही उपयुक्त समय है। आपको यह भी समझना है कि जीवन का पूरा आनंद लेने के लिए, पूरा मजा लेने के लिए स्वस्थ शरीर का होना बहुत ही आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, कुल मिलाकर आप अपने सेहत के लिए जागरूक हैं, लेकिन अब आप अपने ट्रेनिंग के प्रति और अधिक समर्पित हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप किसी खेल प्रतियोगिता में भी भाग लेंगी और बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। आप अपने डाइट पैटर्न में भी बदलाव करेंगे जो कि आपको काफी अच्छा लगेगा। देखिए दोस्तों, आपकी वित्तीय स्थिति में लगातार वृद्धि हो रही है और आगे भी इसमें सुधार की संभावना है, परंतु आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपके नियंत्रण से परे स्थितियां आपकी उत्पादकता और काम करने की क्षमता को प्रभावित कर रही है, लेकिन आपका डर निराधार है। यहां तक आपके वरिष्ठ अधिकारी इस चीज को समझते हैं और आपके हालातों के साथ हमदर्दी भी रखते हैं और आपके काम में समर्थन भी करेंगे, सहयोगी भी आपको सहयोग करेंगे, हर तरह से आपको लाभ ही लाभ देखने को मिल रही है, इसलिए भाग्य आपका बहुत ही अच्छी तरह से साथ निभा रही है। आपको इस शुभ अवसरों में, शुभ समय में अपने जो है मेहनत ज़्यादा करना चाहिए, इनका लाभ उठाना चाहिए तो ये आपके लिए बेहतर होंगे। देखिए दोस्तों, आप एक दृढ़ इससे निशान वाले इंसान हैं और आप एक बार कोई भी काम शुरू कर दें तो उसे पूरे मेहनत से पूरा करती हैं। जी हाँ दोस्तों, आप औरों के कहने पर नहीं चलती हैं, नहीं जाती हैं, आप वो करने की क्षमता रखती हैं जो दूसरे सोच भी नहीं सकती। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आप उनसे आगे हैं, हर जगह आप उनसे बड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, अपना यह नज़रिया हमेशा बनाए रखें तो आप उन मंजिलों पर भी आसानी से पहुंच सकती हैं जो दूसरे कभी सोच भी नहीं सकती। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपके काम करने की क्षमता गजब की है। जी हाँ, और यही आपकी लगन और मेहनत आपको सफलता दिलाती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही अपना जो है जुनून जज्बा बनाए रखें, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों सितारे कहते हैं कि आज पेट में खराब होने की काफ़ी आशंका बन रही है, इसलिए आपको पीने का पानी और अन्य तरल पदार्थों के प्रति विशेष सावधानी रखनी होगी,
क्योंकि पानी से उत्पन्न बीमारियों की आशंका बनी हुई है, आपको संक्रमण भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आज बाहर के अस्वास्थ्यकर खाने से भी परहेज करें। आपको मुहासों की समस्या भी हो सकती है, परंतु वह समय से ध्यान देने के बाद ठीक हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सितारे कहते हैं कि आज हर कोई आपकी ओर आकर्षित होगा और शब्द की समझ विशेषता से प्रभावित होंगे। खूब प्रशंसा आज आपको मिलेगी। इस बेहतरीन समय का प्रयोग नए दोस्त बनाने और नए लोगों से मिलने जुलने में करें, तो इससे आपके सामने नए अवसर खुलेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन आपके लिए काफी हद तक उत्तम रहने वाला है, काफी हद तक अच्छा रहने वाला है। जी हाँ, कुछ मुश्किल कार्य जो कि अपने समय पर छोड़ दिए थे, उन्हें पूरा करने के भी उचित समय है। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन आप अपने सारे रुके हुए काम अपनी उम्मीद से ज्यादा पूरे कर पाएंगे और सारा काम का बोझ जो है खत्म हो सकता है। आज आप में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जो आस पड़ोस के सहकर्मी को जो है सकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। जी हाँ दोस्तों, भाग्य आपका बहुत अच्छा तरह से साथ दे रहा है, आपको लाभ ही लाभ देखने को मिलेगा, लेकिन आपको दूसरों की बातों में लगने से अभी बचना होगा। जी हाँ, क्योंकि लोग जलन की भावना से आपको गलत सलाह दे सकता है। अगर आप उनके कहने पर चलेंगे तो आपको श्योर ही नुकसान होगा। जी हाँ, इसलिए आपको इतना ध्यान रखना है कि अपने आप को सुननी है। दोस्तों, अगर इन जानकारियों से आप सहमत हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, क्योंकि दोस्तों इसी तरह की जानकारियां आपको समय समय से मिलती रहेगी। इन्हें जानकर आप अपने जीवन के उत्तम सुखों का लाभ ले पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको जैसा बताए हैं वैसे ही करिएगा, आपको जरूर लाभ होगा, जरूर लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, अपना कीमती वक्त देने के लिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। दिन आपका शुभ हो, मंगलमय हो, माता रानी आपके सपने जल्द ही साकार करे, आपका परिवार हमेशा खुशहाल रखे, स्वस्थ रखे, निरोगी रखे। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। दिन आपका शुभ हो।